बात हम आज हम एक ऐसे पवेलियन में मौजूद हैं जहां पर ऑटो एक्सपो में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसी पवेलियन में देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर होती है ढेर सारी स्टाइलिश बाइक और बाइक्स ऐसी जिनमें होता है स्टाइल ही नहीं, ढेर सारा माइलेज और साथ ही रफ्तार भी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी ही बाइक जो रफ्तार और स्टाइल के मामले में बेजोड़ है। ऑटो एक्सपो में बाइक्स की धूम, हर स्टाइल हर बजट की बाइक है मौजूद। शानदार स्टाइलिंग लुक से लैस बाइक्स, ऑटो एक्सपो में दिखेगी 4.5 करोड़ की बाइक। रफ्तार, एक्शन और स्टाइल का जलवा, ऑटो एक्सपो में बाइक्स की मची है धूम। ऑटो एक्सपो आने वाले अगर बाइक पवेलियन नहीं गए तो समझो कि मिशन ऑटो एक्सपो अधूरा रह गया है। यहाँ पर एक से एक नए लुक वाली, सस्ते से लेकर महंगे प्राइस टैग वाली बाइक मौजूद है। एक ही छत के नीचे आपको 100cc इंजन से लैस बाइक दिखेगी तो 1000cc की सुपर बाइक भी आपका दिल चुराने के लिए बेताब खड़ी नजर आएगी। बाइक्स के लॉन्च भी एकदम अनूठे अंदाज में हो रहे हैं कि देखने वाले बाइक के मुरीद ही बन जाएंगे। यूएम बाइक्स ने ऑटो एक्सपो में 3 बाइक्स उतार कर लोगों को लुभाने का जबरदस्त दांव चला है। यूएम बाइक्स ने यहां पर 300cc की 1.5 लाख रुपए की कीमत वाली रेनेगेड कमांडो, 1.5 लाख रुपए कीमत और 279cc इंजन से लैस कॉम्पैक्ट क्रूजर बाइक रेनेगेड एस और 1,69,000 रुपए कीमत वाली 279cc इंजन की रेनेगेड क्लासिक को लॉन्च किया है। जो ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास, बहुत ज्यादा चुनाव नहीं थे, तो ये गाड़ियाँ उनको एक नया अनुभव और नयापन देगी। एक नई तरह की गाड़ियाँ हैं, नए तरह का वो हैं और लोगों को एक महसूस होगा कि हम एक नई गाड़ी चला रहे हैं। एक रियल अमेरिकन क्रूजर इंडिया में एक अफोर्डेबल प्राइस पे अब लोगों को अवेलेबल होगा। जापानी कंपनी होंडा ने इस बार ऑटो एक्सपो में एक अनोखी बाइक लॉन्च की है। स्कूटर और बाइक का क्रॉसओवर अवतार है ये बाइक नावी। नावी नाम इसलिए क्योंकि एकदम नए लुक्स और नई स्टाइल वाली बाइक है। इस वैल्यू फॉर मनी बाइक की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 39,500 रुपए और इसमें 110cc का इंजन लगा है। खासियत बाकी इसकी सारी स्टाइल एंड फैशन स्टेटमेंट, क्योंकि जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर महीने कम से कम 2 लाख लोग एक्टिवा खरीदते हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। होंडा का जो इंजन है उसका कॉन्फिडेंस है, एक्टिवा का जो इसके अंदर ट्रस्ट है वो ऑलरेडी है, प्लस द डिजाइन स्टेटमेंट, फैशन स्टेटमेंट एंड फाइनली यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑन अ नावी। साथ ही यामाहा ने MT09 को लॉन्च किया जिसे R1 के प्लेटफॉर्म पर बेस किया है और इसे MT सीरीज के टॉप पर प्लेस किया गया है। वर्ल्ड वाइड MT सीरीज जो है बहुत ही पॉपुलर बाइक है। ये पहली MT01 जो है लॉन्च हुई थी 2004 में, वो 1700cc की बाइक थी, क्योंकि लोगों को वो जो बोलते हैं ये गाड़ी MT सीरीज जो है वो दिल की धड़कनों के साथ चलने वाली गाड़ी है, ऐसा बोलते हैं इसको। यामाहा की R1S भी उनके स्टॉल पर डिस्प्ले के लिए है।
जो कि R1 सुपर बाइक का सस्ता वर्जन माना जा रहा है। R1S को थोड़े बदलाव के साथ कम कीमत पर इसलिए लाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टारगेट किया जा सके। इटालियन कंपनी बेनेली ने भारतीय कंपनी DSK से टाई अप किया है और इस साल ऑटो एक्सपो में बेनेली टॉर्नेडो ने 4 नई बाइक शोकेस की। कंपनी की पहले से 6 बाइक भारतीय बाजार में मौजूद है और भारत में कदम रखने के लगभग 2 साल के अंदर ही कंपनी ने अपने बेड़े में 4 नई बाइक जोड़ ली है। एक्चुअली ये सारी मोटरसाइकिल एक माह में इटली में दिखाई गई थी 2-3 महीने पहले। अभी इंडिया में हमको लॉन्च करना है, हम इसको शुरू करेंगे फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। सबसे पहले तो TNT 300 जो टोरेंटो 300 है हमारी फुली पैड, ये आएगी। उसके बाद हम ट्रैक 502 को लेकर आएंगे और फिर 135 एंड 250 के लिए हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दोनों भी हम लास्ट क्वार्टर में लॉन्च जरूर कर देंगे। पहली बाइक TNT 135 है जिसमें 135 cc का इंजन लगा है। BX 250 को भी कंपनी ने लॉन्च किया है और इसमें लगा है 250 cc का इंजन। बेनेली टॉर्नेडो 302 को भी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया है जिसकी कीमत 3 लाख रुपए के आसपास है। साथ ही TRK 502 में लगभग 500 सीसी का इंजन है। TRK 502 को भी इन तीनों बाइक्स के साथ जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और तभी इन चारों बाइक्स की कीमतों से भी पर्दा उठेगा। सुजुकी की जिक्सर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। ऐसे में इस बार भी ऑटो एक्सपो में जिक्सर को फ्रंट और रियर दोनों तरफ पावर ब्रेक्स के साथ लॉन्च किया गया। इस नई जिक्सर की कीमत पुरानी के मुकाबले 4000 रुपए ज्यादा होगी। सुजुकी जिक्सर SF FI में फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है, यानी ये बाइक अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा माइलेज देने का दम रखती है। इसके साथ सुजुकी ने स्कूटर रेंज में एक्सेस के नए मॉडल को लॉन्च किया है। इसका इंजन 125 सीसी के पावर के साथ आता है। सुजुकी ने इससे अपनी SCP टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है जो MotoGP में यूज करते हैं। इसमें कंपनी ने फ्रंट पॉकेट, अंडर सीट स्टोरेज, ऑप्शनल DC सॉकेट मौजूद है। इसके अलावा इसमें ऑप्शनल डिस्क ब्रेक भी मौजूद है। ग्राउंड अप फुल मॉडल चेंज है, पुराना एक्सिस और इस एक्सिस में कोई कॉमन नहीं है और इसमें हम सुजुकी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस SCP टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है। इस टेक्नोलॉजी में आपको पिकअप भी मिलेगा और माइलेज भी कम नहीं होगा। अभी इसका माइलेज 20% इंक्रीज हुआ है पुराना मॉडल से। ऑटो एक्सपो में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने अपनी दो बाइक्स स्ट्रीट ट्विंस और T120 को लॉन्च किया। स्ट्रीट ट्विन को 900 सीसी सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। क्लासिकल लुक्स वाली ये बाइक 4 कलर ऑप्शन में मौजूद है और इसके लिए आपको चुकाने होंगे 6,90,000 रुपए। इसके साथ साथ T120 में 1200 सीसी का इंजन है और इसकी फिनिश ज्वेलरी की तरह की गई है। ये बाइक उन लोगों को खासा पसंद आएगी जो क्लासिक लुक के साथ एक पावरफुल बाइक चाहते हैं। इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे और इसकी कीमत 8,70,000 रुपए है। इसके साथ इन बाइक्स में सेफ्टी के लिए ABS सिस्टम भी मौजूद है। बहुत सारी गाड़ियां हिंदुस्तान में प्रीमियम सेगमेंट की एयर कूल्ड है, क्योंकि हमारा एम्बियंट टेम्परेचर हिंदुस्तान में ज्यादा रहता है तो गाड़ी गर्म हवा देती है, तो लिक्विड कूल्ड इंजन है। और सेफ्टी के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह ही रही है ABS, हम पहले ब्रांड है हिंदुस्तान में जो कह रहा है कि हमारी सब गाड़ियां आज के बाद ABS होगी, तो ABS है। और अब बात करते हैं हीरो की, जिसने अपनी बाइक XF3R स्ट्रीट नेक्ट को शोकेस किया। कंपनी के मुताबिक ये बाइक पावर और स्टाइल का बेजोड़ मेल है, यानी बाइक्स की धूम ऑटो एक्सपो में अपना जलवा बिखेर रही है। नेहा बाथम और मनोज शर्मा के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। ये बेहद स्टाइलिश दिखने वाली क्रूजर बाइक दरअसल ट्रायम्फ की बाइक्स है। कुछ ऐसी बाइक्स को शोकेस किया गया यहाँ ऑटो एक्सपो में। क्या है खास फीचर्स इन बाइक से, जायजा लिया हमारी टीम ने। ऑटो एक्सपो 2016 में BMW लेकर आया है अपनी सारी बाइक्स की सीरीज, यहाँ पर शोकेस की गई है। हम आपको दिखा रहे हैं BMW 1200 GS। जी हाँ, ये वो बाइक है जो खासा आकर्षित कर रही है लोगों के। इसकी खूबियों की बात करें तो 1200 सीसी का इंजन है इस गाड़ी में और सबसे कमाल की जो बात है वो ये टायर्स देखिए आप,
अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो इससे बेहतरीन बाइक ऑटो एक्सपो में मौजूद नहीं है, ऐसा कंपनी का कहना है। गाड़ी के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको शायद किसी और बाइक में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको डिज़ाइन दिखाते हैं, मस्कुलिन डिज़ाइन है, ज़बरदस्त पावर के साथ आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो स्पीडोमीटर बिल्कुल अलग तरह का दिया हुआ है। उसके साथ साथ जो GPS होल्डर है वो एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि आमतौर पर हमने ये फंक्शंस कारों में देखे हैं। इस GPS होल्डर के सहारे आप कहीं भी जा सकते हैं, ये रास्ता आपको बताता रहेगा। उसके साथ साथ ये एक फंक्शन है जो आपको खासा, जो बाइकर्स हैं लॉन्ग रूट की जर्नी करते हैं, इसके साथ आप शील्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, तो आने वाली जो हवा है उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। इसके ज़रिए हवा आपके ना तो चेहरे पे आएगी ना सीने पे आएगी, सीधे सीधे निकल जाएगी। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो पीछे से एकदम स्लीक डिज़ाइन, या ये कहें कि शार्क का जो लुक होता है उस लुक में इस बाइक को लाया गया है। अब बात आती है उस कीमत की जो आपको इसके लिए चुकानी होगी। 29,53,000 रुपये अगर आप देते हैं तो BMW R1200 GS। गाड़ियों की चकाचौंध तो है ही, लेकिन मॉडल्स का ग्लैमर भी कम नहीं है इस बार ऑटो एक्सपो में। कई देसी विदेशी मॉडल्स हर बार ऑटो एक्सपो में दिखाई देती हैं, क्योंकि कार कंपनियां ये जानती हैं कि अगर ऑटो एक्सपो में नजर गाड़ियों पर है तो साथ ही साथ नजर इन मॉडल्स पर भी होती है। सुपर बाइक्स, ग्लैमर मॉडल्स, ये है ऑटो एक्सपो की शानदार तस्वीर। ऑटो एक्सपो में कारों का जलवा है, बाइक्स की धूम है, तो ग्लैमर का तड़का भी यहां बखूबी लगा है। दुनिया भर की एक से बढ़कर एक शानदार कार ऑटो एक्सपो में मौजूद है। लाखों से लेकर करोड़ों की बाइक्स यहां पर हैं, तो यहां पर दुनिया भर की वो मॉडल्स भी आई हैं जिनके दीदार को भी दर्शकों का एक बड़ा वर्ग ऑटो एक्सपो में पहुंचता है। जमाना सेल्फी का है, तो लोग कारों और बाइक्स के अलावा इन मशीनों के साथ खड़ी खूबसूरत मॉडल्स के साथ भी सेल्फी खींच रहे हैं। सेल्फी के इन दीवानों का तो साफ मानना है कि उनके लिए ऑटो एक्सपो में आई ये मॉडल्स भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। हमने देखा कि बाइक के साथ पिक हुई, फिर मॉडल के साथ पिक हुई, तो किसके साथ थी वो पिक? दोनों के साथ थी, बाइक और मॉडल दोनों। इंटरनेशनल मॉडल्स हैं तो उनका पिक लेने का फिर अलग है, ये भी एक अट्रैक्शन है, अलग अट्रैक्शन है। जितनी मेहनत कंपनियों ने कारों और बाइक को लॉन्च करने के लिए की है, उतनी ही मेहनत इन मॉडल्स को सिलेक्ट करने में लगती है। हर कार और बाइक के हिसाब से कंपनियां अलग अलग तरह के मॉडल्स का चुनाव करती हैं। तो जनरली गाड़ियों के साथ, कारों के साथ या मोटरसाइकिलों के साथ आपको उस प्रोडक्ट के मिलती जुलती मॉडल होती है कि वो उसको दर्शाती है। कुछ चीजें आपको प्रोडक्ट से मिलती हैं, कुछ चीजें मॉडल को देख के मिलती हैं। कार और बाइक्स के साथ खड़ी इन मॉडल्स की खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन बेहद आकर्षित दिखने वाले इन मॉडल्स का काम काफी मुश्किल भी है। वेरी टायरिंग, द हील्स आर हर्टिंग, दैट इज द मोस्ट पेनफुल थिंग। अदरवाइज द क्राउड इज गुड, यू स्माइल एट पीपल, दे स्माइल बैक एट यू। इतने सारे क्राउड के साथ स्टैंडिंग हियर इज फाइन, एंटरटेनिंग है, बस इतनी सारी गेम्स हैं यहाँ पे, सो इट्स एंटरटेनिंग। यहाँ एक्सपो में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो पार्ट टाइम मॉडल्स हैं। उनको यहाँ पर एक अलग तरह के माहौल में अच्छा सा वक्त बिताने का मौका तो मिलता ही है, साथ ही पॉकेट मनी का जुगाड़ भी आसानी से हो जाता है। ये ग्लैमर और मशीन का तड़का है जो लोगों को बेहद अच्छा लग रहा है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ, ग्रेटर नोएडा से रजत सिंह, आज तक। तो उम्मीद है आज चक्के में चक्का में जितनी भी बाइक्स हमने आपको दिखाई, बहुत सारी ऐसी बाइक्स थी जो कीमत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन कई सारी ऐसी बाइक्स जो माइलेज में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।